तो फ्रेंड्स, वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बेहद सिंपल टॉपिक। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज वर्क डन और पावर प्रोड्यूस्ड बाय अ टर्बाइन। मतलब ये जो टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीन्स, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एसोसिएटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और मतलब आज मैं मतलब इस लेक्चर को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैलकुलेशन की कैसे जाती है, और हम इसे बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। तो फ्रेंड्स, बेसिकली शुरुआत कहाँ से होती है कि मतलब हम सभी ने बचपन में इक्वेशन पढ़ी थी, F is equal to ma, force is equal to mass into acceleration, ठीक है। तो m is the mass of a rigid body, मतलब ये हमने बचपन में मतलब साइंस में फिजिक्स में पढ़ा था। तो m क्या होता है, m is the mass of a rigid body जिसके ऊपर जब एक फोर्स F लगता है तो वो जो बॉडी है वो एक्सेलरेट करती है विद एन एक्सेलरेशन a, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो दिस इज इक्वल टू m dv by dt, ठीक है। अब dv by dt ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m v2 minus v1, v2 क्या है फाइनल वेलोसिटी, v1 क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा t, डिवाइडेड बाय टाइम, जिस टाइम के अंदर ये चेंज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन फ्रेंड्स हमने पढ़ी थी बचपन में फॉर सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडीज के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी। बट द थिंग इज कि आप इस इक्वेशन को मतलब फ्लूइड्स के अंदर डायरेक्टली, क्या वर्ड यूज करो, डायरेक्टली अप्लाई कन्वीनियंटली नहीं कर सकते, बिकॉज फ्लूइड के अंदर मतलब आपके पास क्वेश्चन में वहां पर होता है 10 kg मास है, उसके ऊपर आप इतना न्यूटन फोर्स लगा रहे हो और वो जो बॉडी है वो एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली फ्लूइड्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, फ्लूइड जो है वो एक कॉन्टिन्यूस आप कह सकते हो बॉडी, मतलब कॉन्टिन्यूसली पीछे से फ्लूइड आ रहा है और बह रहा है वो, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास कोई एक सिंगल रिजिड बॉडी नहीं होती, फ्लूइड्स के अंदर हमारे पास होता है मास फ्लो रेट, ठीक है। तो एम नहीं होता वहां पर, मतलब फिजिक्स में क्या होता है कि आपके पास एक 10 kg मास है और आप उसके फोर्स लगा रहे हो वो एक्सेलरेट करेगा, वी हैव गॉट अ रिजिड बॉडी। पर फ्लूइड मैकेनिक्स में यू हैव गॉट मास फ्लो रेट, मतलब 10 kg/s कि हर सेकंड 10 kg फ्लूइड जो है वो बह रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड्स के लिए हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। और वो हम मॉडिफाई कैसे करते हैं, m डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है, v2 माइनस v1, ठीक है। v2 इज द फाइनल वेलोसिटी एट द एग्जिट, v1 इज द इनिशियल वेलोसिटी एट द इनलेट, ठीक है। तो ये m है, दिस इज मास, दिस इज डेल्टा टी, जो डेल्टा टी है मैंने थोड़ा खिसका लिया है, ठीक है। तो इसे डेल्टा है, ये वेलोसिटीज की बजाय मैं मास के नीचे ले आया हूं, ठीक है। सो नाउ ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा m डॉट v2 माइनस v1, ठीक है। सो दिस इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, ठीक है। यकीन मानिए कि मैंने इसे डेल्टा टी को यहां से यहां खिसका है, ठीक है, और मैंने ये लिख दिया कि फोर्स जो फ्लूइड के ऊपर लग रहा है That is basically mass flow rate into change in velocity. यकीन मानिए ये पूरी 1-1.5 और की proper derivation है, proper derivation जो आपको मतलब मेरी website पे, mobile app पे fluid mechanics का course है, fluid mechanics उसके अंदर एक chapter है impulse momentum equation, ठीक है। उसके अंदर मतलब ये जो derivation है कि fluid के लिए हम equation को किस तरह से develop करते, किस तरह से modify करते, तो वो derivation आपको उसमें मिल जाएगी। मतलब डेल्टा टी को मैंने यहां पे कह दिया कि यहां से यहां खिसका, इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। पर अगर मैं अभी वो चीज समझाने बैठूंगा तो पूरा 1.5 घंटा मेरा निकल जाएगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू रिकैप कि हम कौन से फॉर्मूलों का प्रयोग करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो फोर्स जो लग रही है फ्लूइड के ऊपर, दैट्स बेसिकली इक्वल टू द मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड, मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी, v2 ये है फाइनल वेलोसिटी माइनस v1 ये है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। यहां तक आपको समझ आ गया। अगर आप इसकी डेरिवेशन देखना चाहते हो तो फ्लूइड मैकेनिक्स में इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब बेसिकली क्या चीज है, अब नाउ दिस इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, ठीक है। ये वो फोर्स है
जो फ्लूइड के ऊपर लग रही है, पर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम मतलब क्या चाहते हैं कि टर्बाइन का जो वेन है, जो प्लेट है, जो बकेट है, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से निकल के आएगा कि वाटर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। हम क्या निकालना चाहते हैं कि जो बकेट है, वेन है, जो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो बेसिकली जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ से, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। सो इफ दिस इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द वॉटर, ऑन द वॉटर, ठीक है, बाय द बकेट कह लीजिए या वेन कह लीजिए, जो भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इफ दिस इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द वॉटर, तो वॉटर बकेट के ऊपर या वेन के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो एफ फोर्स जो लग रहा है बकेट या वेन के ऊपर, दैट्स इक्वल टू एम डॉट वी वन माइनस वी टू, मतलब इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। अब यहां तक आप मुझे बताओ कि आपको ये चीज समझ आई है या नहीं आई है, ठीक है। मतलब यू कैन राइट इन कमेंट्स, मतलब नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिंपली एफ इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो ये इक्वेशन सॉलिड बॉडीज के लिए इस्तेमाल होती है, फ्लूइड्स के अंदर लगाना इतना कन्वीनियंट नहीं है, तो हम इसे मॉडिफाई करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जहां पर क्या निकल के आता है वन वन एंड हाफ और की पूरी डेरिवेशन के बाद, एम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन, यानी मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बट दिस इज द फोर्स दैट्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड। तो बकेट के ऊपर कितना लग रहा होगा, that will be equal in magnitude and opposite, so that will be m v1 minus v2। ये चीज़ आपको समझ आ रही है, mass flow rate क्या होता है, f is equal to rho q, mass flow rate क्या होता है, it is density multiplied by discharge, ठीक है, this is our mass flow rate। ये आएगा v1 यानी initial velocity minus v2 यानी final velocity। समझ आ रही है यहां तक आपको ये चीज आपको क्लियर है। अब इसके अंदर एक बहुत जबरदस्त चीज मिसिंग है, ठीक है, और वो ये कि यहां पर जो आपको फोर्स नजर आ रहा है, जो आपको वेलोसिटीज नजर आ रही है, फोर्स नजर आ, वेलोसिटी नजर आ रही है, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। ये क्या है, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो अब बेसिकली क्या चीज है, यहां पर डायरेक्शन आपको कंसिडर करना होगा यहां पर, ठीक है। तो फोर्स जो लग रहा है एक्स डायरेक्शन के अंदर बकेट के ऊपर या वेन के ऊपर, that's equal to rho into q, ये आ जाएगा v1x minus v2x, ये चीज, ठीक है। और fy is equal to rho q, ये क्या आ जाएगा, v1y minus v2y, ठीक है। ये वो equations हैं जिससे आप मतलब फोर्स का, पावर का, टॉर्क का कैलकुलेशन करोगे टर्बाइन के केस में। सो ये वो दो equations हैं, ये चीज, ठीक है। तो जब हमने ये बात बोली तो हमने एक चीज मतलब उसके बाद दिमाग में आई कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज गॉट डायरेक्शन। तो फोर्स जो लग रही है बकेट के ऊपर या वेन के ऊपर एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, दैट्स इक्वल टू डेंसिटी इनटू डिस्चार्ज यानी मास फ्लो रेट वी वन एक्स माइनस वी टू एक्स, यानी कि एक्स डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका एक्स कॉम्पोनेंट माइनस जो फाइनल वेलोसिटी है उसका एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है। और यहां पर क्या है, रो क्यों, ये क्या है, वी वन वाई, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट माइनस एग्जिट वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट, एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट, समझ आ रहे, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, हमें मिल रहा है यहां पर फोर्स जो लग रहा है वाई डायरेक्शन में, समझ आ रहा है। मैं इक्वेशन को नोट कर लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू रो क्यू वी वन एक्स माइनस वी टू एक्स, ठीक है, एफ वाई इज इक्वल टू रो क्यू वी टू वाई माइनस वी वी वन वाई माइनस वी टू वाई, ये चीज। हां जी सर जी, यहां तक समझ आया है, नहीं है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि टॉर्क क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, इट्स सिंपली फोर्स इनटू रेडियस, ठीक है। तो टॉर्क अगर आपसे कभी निकालने को क्वेश्चन में कहा जाए तो वो क्या आ जाएगा, फोर्स जो आपने निकाला है मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, ठीक है। और पावर क्या होता है, पावर, अगर आप पावर की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय पावर, पावर इज सिंपली, पावर क्या होता है, इट इज सिंपली
वर्क डन पर सेकेंड, ठीक है, तो वर्क डन पर सेकेंड, ठीक है, ये आ गया पावर। अब वर्क डन कितना होता है, व्हाट डू मीन बाय वर्क डन, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा टाइम, एंड डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है वेलोसिटी, ठीक है, सो दैट्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी यू, समझ आ रहे। तो व्हाट विल बी द पावर प्रोड्यूस, पावर प्रोड्यूस क्या होगा, दैट विल बी फोर्स, फोर्स जो लग रहा है बकेट के ऊपर मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ बकेट, ठीक है, तो पावर क्या होगा, जो फोर्स लग रहा है बकेट के ऊपर या वेन के ऊपर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, यू से, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बकेट या वेन, वेन समझते हो ना, वेन इज सिंपली अ कर्व्ड प्लेट, ठीक है, वेन क्या है, वेन, व्हाट डू यू मीन बाय वेन, वेन इज सिंपली अ कर्व्ड प्लेट, बस, ठीक है, मतलब कभी कभी छोटी छोटी चीजें दिमाग में नहीं होती, सिंपली कर्व्ड प्लेट है, ठीक है, तो यहां से पानी एंटर कर रहा है, ये स्लाइड करके यहां से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो इसके जो प्रेशर, जो फोर्स लग रही है, इस वजह से जो ये कर्व्ड प्लेट है, ये आगे की तरफ मूव कर रही है विद अ स्पीड यू, ठीक है, तो ये बहुत सारी वेन्स होती है, बहुत सारी कर्व्ड प्लेट्स होती है, ठीक है, एक बड़ी प्लेट के ऊपर, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज रनर, इसे हम बोलते हैं रनर, ठीक है, तो यहां से पानी आ रहा है, टकरा के स्लाइड करके बीच में जा रहा है, ऐसे बहुत सारी यहां पे गाइड वेन्स होती हैं, चारों तरफ से पानी आता है, ठीक है, और स्लाइड करके सेंटर की तरफ जाता है, ये चीज यहां तक आपको क्लियर हो गई, ठीक है, तो अब बेसिकली इस सारी नॉलेज से आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं, जितनी नॉलेज मैंने अब तक आपको इम्पार्ट की है, आप बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं कि जो टर्बाइन है उसका रनर कितना पावर प्रोड्यूस करता है, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, ये सारा आप बड़े प्यार से निकाल सकते हो। आइए देखते हैं, मैं जरा एक बार बोर्ड साफ कर लेता हूं, आइए फिर देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए, जो भी अब तक हमने सीखा है, हम उसे अप्लाई करके, उस सिंपल सी नॉलेज को अप्लाई करके निकालते हैं कि जो टर्बाइन का वेन है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो सपोज कीजिए, मतलब ये हमारे पास ये एक वेन है, वेन यानी कर्व्ड प्लेट, ठीक है, ये वेलोसिटी विद अ वेलोसिटी स्मॉल यू, ये मूव कर रही है, खैर अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, बिकॉज अभी मैं क्या कह रहा हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी वी आर वन, क्या वर्ड यूज किया मैंने यहां पर, रिलेटिव वेलोसिटी वी आर वन, इससे पानी अंदर एंटर कर रहा है टेंजेंशियल टू द वेन, इसके साथ स्लाइड करके फिर रिलेटिव वेलोसिटी वी आर टू से ये बाहर निकल रहा है, ठीक है, मतलब अगर लॉसेस नहीं है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, अगर लॉसेस है तो VR2 का मैग्नीट्यूड VR1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही, तब आइए देखते हैं कि पानी आ रहा है, अभी जितना एनालिसिस है वो मैं सारा का सारा कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू कर्व्ड वेन, ठीक है, ये चीज आपको समझ आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू कर्व्ड वेन, तो यहां पर ये कर्व्ड वेन आपको नजर आ रही, यहां से पानी टेंजेंशियली अंदर गया, टेंजेंशियली यहां से बाहर निकल गया, ठीक है, तो इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, तो अगर आप फोर्स निकालना चाहते हो इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन मतलब पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, जब भी मतलब मैं टर्बाइन पढ़ाते हुए या इंपैक्ट ऑफ जेट पढ़ाते हुए एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो एक्स डायरेक्शन इज सिंपली दैट डायरेक्शन जिसके अंदर जो आपका बकेट है या जो वेन है वो मूव कर रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर, यू वेक्टर, ठीक है, x direction is the direction of velocity of the bucket, जिस direction में bucket जा रही है वही हमारा x है, उसके perpendicular हमारा y है, ठीक है ना, तो okay, so fx direction, x direction में force कितना लगेगा, so that will be rho into q, rho into q, that's a mass flow rate, ठीक है, multiplied by, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, अब vr1, इसका x component, this angle is theta, so that will be vr1 cos theta, समझ आ रहा है, ये है vr2, तो इसका जो x component होगा, ठीक है, that will be vr2 cos phi, ठीक है, ये आ गया phi, ये चीज, ठीक है, so x component क्या होगा, velocity का x component, it is vr1 cos theta, ये, इस equation को देखिए, ये वाली equation लगा रहा हूं, rho q v1x, इनलेट वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट माइनस यहां पर कर रहा हूं एग्जिट वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ठीक है, एग्जिट वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि एक्स डायरेक्शन है इस तरफ,
ठीक है, x डायरेक्शन उस तरफ है, और जो एग्जिट वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है दैट इज इन माइनस x डायरेक्शन। ये चीज यहां तक आपको क्लियर हो रही है? ठीक है, तो दिस एंगल इज फाइन। ठीक है, तो यहां पर जो x कंपोनेंट आएगा दैट विल बी नेगेटिव इन नेचर, वो होगा नेगेटिव। ठीक है, सो यहां पर माइनस, अब इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या है, वी आर कॉस फाई, और क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्स एक्सिस है तो यहां पर माइनस आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ये चीज। ठीक है, तो यहां पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, सो दैट विल बी इक्वल टू रो क्यू, ये आ गया हमारा वी आर वन कॉस थीटा प्लस वी आर टू कॉस फाई, ये चीज। ये समझ आ रही है चीज, ये चीज यहां तक आपको क्लियर हो रही है? ठीक है, अब आप क्या फॉर्मुलों को मॉडिफाई करते रहो जितने मर्जी कॉम्प्लिकेटेड करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बुक्स में क्या लिखा है, वी आर वन वी आर टू सेम है तो कॉमन निकाल लेंगे, ये आ गया कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, फिर सिमेट्रिकल वेन बना देंगे, कॉस थीटा मतलब दोनों ही एंगल थीटा है। ठीक है, तो टू कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो वो सब चीजें आप कर लोगे। ठीक है, वो मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेन चीज है कि आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि यहां पर हो क्या रहा है। अब यहां पर अब ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पर निकल के आ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो आपको एग्जाम में, जो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क लगा ही रहता है। ठीक है, वो क्या है कि जो फॉर्मूले जो आपकी बुक में लिखे होते हैं उसमें लिखा होता है यहां पर प्लस या फिर माइनस, उसमें क्या लिखा होता है, प्लस माइनस। तो स्टूडेंट हमेशा ये चीज सोचता है कि प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा। अब क्योंकि आपने इसकी डेरिवेशन आपने देख रखी है तो आप जानते हो कि प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा। मतलब अगर वेन की शेप कुछ इस प्रकार है कि पानी स्लाइड कर रहा है और घूम के, मतलब उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, यहां पर इनलेट पे प्लस एक्स में है और एग्जिट पे माइनस एक्स में है, ऐसे सिचुएशन के अंदर यहां पर माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो प्लस आ रहा है। ठीक है, पर कई बार क्या होता है, वेन की शेप सपोज कीजिए इस तरह से, वेन कुछ इस प्रकार से है कि यहां पर एक्स कंपोनेंट देखिए आप वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और एग्जिट पे भी जो एक्स कंपोनेंट है वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो ऐसे में यहां पर पॉजिटिव रहेगा तो यहां पर माइनस साइन बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही है, ये चीज आपको क्लियर हो रही है? ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि भाई अगर जो व्रिल कंपोनेंट जिसे हम बोलते हैं, खैर यहां पे तो भी व्रिल की बात नहीं कर रहे, अगर जो एक्स कंपोनेंट है अगर वो एग्जिट पे नेगेटिव एक्स में है तो आएगा प्लस साइन, और अगर एग्जिट पे जो एक्स कंपोनेंट है अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है तो आएगा माइनस का साइन। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, जिसकी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए फॉर्मुलों में मतलब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। समझ आ गए? सो ये आ गया हमारा फोर्स। ठीक है, अब अगर आप इसको यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा पावर, अगर आप इसे रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा टॉर्क, दैट्स ऑल। समझ आ रहे हैं यहां तक आपको? ठीक है, अब मे भी शायद आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर कुछ बुक्स में अलग फॉर्मूला दे रखा होता है, कुछ बुक्स के अंदर तो व्रिल कॉम्पोनेंट लिखा होता है यहां पर, तो वो कुछ नहीं है। ठीक है, वो आप बड़े आराम से कर सकते हो। बेसिकली क्या चीज है, क्या कि अगर ये जितना कैलकुलेशन आपके सामने किया गया है ये किया गया है विद रिस्पेक्ट टू वेन। ठीक है, मतलब यहां पर आपने जो वेलोसिटीज ली है वो आपने विद रिस्पेक्ट टू वेन ली है। ठीक है, अगर आप एब्सोल्यूट वेलोसिटीज अगर आप कंसिडर करते हो एब्सोल्यूट वेलोसिटी, तो डायग्राम कैसा होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कुछ इस प्रकार होगा डायग्राम। सो दैट विल बी यू, ठीक है, एंड दिस विल बी माई व्रिल कॉम्पोनेंट। ठीक है, वी डब्ल्यू वन, ठीक है, ये आ गया वी वन, ये था अल्फा, ये है थीटा, तो ये मैंने इनलेट पे वेलोसिटी ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है ना, अगर आपको वेलोसिटी ट्रायंगल नहीं ड्रॉ करना आता तो ये लेक्चर 6 है, लेक्चर 4 और 5 आप देख लीजिए, मतलब 30 मिनट्स का है लेक्चर 4, वेलोसिटी डायग्राम कैसे ड्रॉ करने हैं वो पूरा बता रखा है, और एक एडिशनल पॉइंट बता रखा है लेक्चर 5 के अंदर, वो छोटा सा 10 मिनट का लेक्चर, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ये हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो उसके बाद यहां पर एग्जिट पे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये सपोज कीजिए ये आ गया हमारा एग्जिट वेलोसिटी v2, ये आ गया u वेक्टर, ठीक है, और ये आ गया हमारा vw2 व्रिल कंपोनेंट। अब यहां पर भी देखिए व्रिल कंपोनेंट पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ, यहां पर जो व्रिल कंपोनेंट है वो पीछे की तरफ जा रहा है, जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी वो पीछे की तरफ जा रही है। ये चीज यहां तक आपको क्लियर हो रही? ठीक है, तो अगर आप एब्सोल्यूट वेलोसिटीज
की मदद से अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं तो भी यही मतलब फॉर्मूला यही निकल के आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला किस तरह से लिखा आएगा, इट विल मैं यहां पे लिख देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू रो क्यू यानी मास फ्लो रेट, ठीक है, वी एक्स वन वी वन, ठीक है, वी वन इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट ये क्या है, वी डब्ल्यू वन, ठीक है, वी डब्ल्यू वन। उसके बाद आएगा माइनस, फिर आएगा माइनस, ठीक है, और उसके बाद क्या है, वी टू का एक्स कॉम्पोनेंट। अब वी टू का एक्स कॉम्पोनेंट क्या है, व्हील कॉम्पोनेंट, और ये है माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो अगेन माइनस डब्ल्यू टू, तो माइनस वी डब्ल्यू टू, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इट विल बी प्लस, प्लस आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स माई फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। ये चीज यहां पर फ्रेंड्स आपको क्लियर हो रही है, समझ आ रहे, तो मतलब आप चाहें तो ये रिलेटिव वेलोसिटीज वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो एब्सोल्यूट वेलोसिटीज वाला भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर जो है बिल्कुल सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मतलब अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं वी आर वन कॉस थीटा, वी आर वन कॉस थीटा, आप इसकी मुझे वैल्यू बताइए, वी आर वन कॉस थीटा ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक दैट्स रियल कॉम्पोनेंट, यहां से लेकर यहां तक दैट्स ब्लेड वेलोसिटी, ठीक है। तो ये vr1 cos theta, ये आ गया vw1 minus u, मतलब this minus this is equal to this, ठीक है। तो ये formula मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या आ गया, ये formula मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, is equal to rho q, ये इसकी value कितनी आ रही है, it is vw1 minus u, इसमें कोई doubt है तो आप बताइए, vr1 cos theta ये कितना है, vw1 minus u, यहाँ तक आप clear है, ठीक है। उसके बाद प्लस VR2 cos phi, ये complete length, हाँ जी सर आपसे, ये complete length कितनी है, this is this length, length की बात कर रहा हूं, this is this length U plus VW2, समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। ये length कितनी है, that's length U plus VW2, तो ये length मैं यहां पर put कर रहा हूं, इसकी value this is U plus VW2, तो ये माइनस यू ये प्लस यू ये कट गया यहां पे, ठीक है। सो इट इज रो क्यू वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू, ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो अगेन आपको ध्यान रखना है कि एग्जिट पे वेलोसिटी डायग्राम किस तरह का बन रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर तो ऐसा बन रहा है जिसमें वेलोसिटी वेक्टर बैक की तरफ जा रहा है, व्हील कॉम्पोनेंट माइनस एक्स में होगा, यू विल गेट प्लस साइन, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जो डायग्राम है वो इस प्रकार बन रहा है, इस प्रकार, ठीक है, दिस इज माय v2, ये है vr2, दिस इज u वेक्टर, ठीक है, vw v2, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एग्जिट पे वो प्लस x में जा रही है, जो व्हील कंपोनेंट है vw2 वो मेरा पॉजिटिव है, ऐसे सिचुएशन के अंदर यहां पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, ये चीज यहां तक आपको क्लियर हो रही, ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो अब आपको मतलब जो कर्व्ड वेन वाला जो केस है, ठीक है, उसके अंदर आपको मतलब समझ आ गया, ठीक है। आइए एक काम करते हैं, इसमें लगे हाथ जब यहां तक पहुंच गए हैं तो पावर का भी फॉर्मूला हम मतलब देख लेते हैं। तो ये आ गया फोर्स जो लग रही है हमारे वेन के ऊपर, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली निकाल लिया है कि कितना फोर्स लग रहा है बकेट के ऊपर या वेन के ऊपर। तो जब आपको पावर निकालना है, आपको सिंपली फोर्स को वेलोसिटी ऑफ बकेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो दैट विल बी रो क्यू वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस, या प्लस ही लिख लेते हैं अभी, ठीक है, जब आपको जरूरत पड़े आप माइनस कर लेना, वी डब्ल्यू टू इंटू यू, ठीक है। या फिर आप इसे दूसरी, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर, ठीक है। पर ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगेगा जब आपके पास मतलब जो बकेट है या जो वेन है उसके दोनों एंड्स जो है वो एक ही वेलोसिटी पे चल रहे हैं, एक ही वेलोसिटी पे दोनों, मतलब इनलेट एंड की वेलोसिटी है यू और एग्जिट एंड की वेलोसिटी भी क्या है यू। सो पावर क्या हो जाएगा, मतलब अगर इन केस अगर जो वेन है वो इस तरह से मूव कर रहे हैं कि दोनों एंड्स की वेलोसिटी अलग है, मैं दो मिनट में बताता हूँ कौन से केस की मैं बात कर रहा हूं। सो दैट विल बी रो क्यू वी डब्ल्यू वन यू प्लस वी डब्ल्यू टू यू, ये चीज, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे फ्रांसिस टर्बाइन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, फ्रांसिस टर्बाइन की, उसमें क्या है आपके पास बेसिकली वेन्स होती हैं इस तरह से, ये इस तरह से वेन्स होती हैं। अब ये पूरा का पूरा जो रनर है, रनर,
ठीक है, ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। अब अंदर वाले पॉइंट का रेडियस कम है तो उसकी वेलोसिटी कम है, बाहर वाले पॉइंट का रेडियस ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब यू वन ज्यादा है और यू टू कम है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर फॉर्मूला क्या रूप ले लेता है, वी डब्ल्यू वन इंटू यू वन, ठीक है, प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू इंटू यू टू। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, अगेन मतलब मैंने यहां पे यू से मल्टीप्लाई करके मैंने कह दिया कि फॉर्मूला फ्रांसिस के लिए ये रूप ले लेता है। ठीक है, एक्चुअली ये भी अगेन अपने आप में पूरा वन और का डेरिवेशन है। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूं, हाइड्रोलिक मशीन्स का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर एक चैप्टर है इंपैक्ट ऑफ जेट। उस इंपैक्ट ऑफ जेट का जो लास्ट टॉपिक है टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ अ टर्बाइन, ठीक है, जो लास्ट टॉपिक है इंपैक्ट ऑफ जेट का, उसमें ये पूरी डेरिवेशन मैंने कर रखी है। ठीक है, पर मतलब एक छोटा सा लेक्चर है एक घंटे का, इसमें सारा कुछ कवर करना है तो पूरी पूरी डेरिवेशन तो नहीं कवर कर पाऊंगा, पर आपको इस लेवल पे जरूर ले आऊंगा। आई प्रॉमिस कि मतलब आप किसी भी क्वेश्चन को जो एग्जाम में आएगा आप आराम से टैकल कर पाओगे। ठीक है, तो ये आ गया पावर का फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर अब जब यहां तक पहुंच गए तो एक और पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं कि जनरली, अब यहां पर एक वर्ड जनरली मैंने इस्तेमाल किया है, जनरली जो फ्रांसिस टर्बाइन है इनवर्ड फ्लो टर्बाइन रिएक्शन टर्बाइन है, ये इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, बाहर से पानी अंदर की तरफ फ्लो करता है, इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो वी टू है, वी टू यानी कि वेन के एग्जिट पे जो वेलोसिटी है दैट्स रेडियल। ठीक है, वो कैसी है, दैट्स रेडियल, वो रेडियल है। ठीक है, वो इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो रेडियल है। V2 क्या है, रेडियल है। ठीक है, मतलब रेडियल मतलब डायग्राम के हिसाब से वाई डायरेक्शन में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन में जब जो ये V वेक्टर है रेडियल होगा V2, तो उसका जो व्रिल कंपोनेंट है वो क्या होगा। ठीक है, तो जो व्रिल कंपोनेंट है इस सिचुएशन में वो होगा जीरो। ठीक है, व्रिल कंपोनेंट क्या होता है, एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। अब यहां पर डायग्राम में V2 वर्टिकल ड्रॉ किया तो उसका कोई एक्स कंपोनेंट तो होगा ही नहीं, तो V व्रिल कंपोनेंट एट द एग्जिट इन केस ऑफ अ फ्रांसिस टर्बाइन इनवर्ड फ्लो रेडियल टर्बाइन है, रिएक्शन टर्बाइन है। ठीक है, जनरली इसका जो एग्जिट पे जो व्रिल कंपोनेंट होता है वो जीरो होता है, पानी अंदर एग्जिट पे रेडियली फ्लो करता है, तो ये पूरी टर्म ही उड़ जाती है। ठीक है, ये पूरी टर्म ही खत्म हो जाती है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बचता है, रो क्यू वी डब्ल्यू वन यू वन। ठीक है, दिस इज द पावर प्रोड्यूस्ड, दिस इज द पावर प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ अ फ्रांसिस टर्बाइन। समझ आ रहे हैं? ठीक है, अब कई बार आपको पावर नहीं निकालना होता, आपको निकालना होता है वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, क्या बोला है, वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो उसमें अब क्या चीज है, ये क्या है, एक सेकेंड में इतना वर्क डन हो रहा है, अब एक सेकेंड में कितना वेट ऑफ फ्लूइड आप सप्लाई कर रहे हो, इट इज रो क्या, ये तो आ गया मास फ्लो रेट। ठीक है, रो क्या जी, ठीक है, रो क्या जी, ये क्या आ गया, वेट फ्लो रेट, कि एक सेकेंड में कितना वेट मैं सप्लाई कर रहा हूं, एक सेकेंड में इतना वेट सप्लाई कर रहा हूं, एक सेकेंड में इतना वर्क डन हो रहा है, तो पावर या वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड इसको डिवाइड कर देंगे रो क्यू से, रो क्यू कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, वी डब्ल्यू वन यू वन बाय जी। ये चीज समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये हो सकता है आपकी बुक में दे रखा हो कि वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्रांसिस टर्बाइन के अंदर वो क्या है, VW1 U1 by G, मतलब अब जब मैं बार बार पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड बोल रहा हूँ ना, तो कुछ बच्चों के दिमाग में पॉइंट चल रहे कि सर मतलब ये हेड हेड कह सकते हैं इसको, मतलब अगर आप चाहो तो मतलब हेड से आप रिलेट कर सकते हो, बिकॉज हेड जो काइनेटिक हेड है, प्रेशर हेड है, वो भी क्या होते हैं, एनर्जीज पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। ऐसे यहां पर VW1 U1 by G ये भी क्या है, वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो उससे कुछ आप मतलब ये उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं एक तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, मतलब बर्नौली क्वेश्चन में कभी कुछ ज्यादा वगैरह हो तो आप मतलब इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब अब देखो एरिया की क्वेश्चन में एरिया ही ऐड होगा, ठीक है, लेंथ या मतलब वॉल्यूम तो नहीं ऐड हो सकता ना, तो मतलब एक ही फैमिली से है ये। ठीक है, तो मतलब यू कैन एडजस्ट इट। ठीक है ना, ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही? तो ये मैंने मतलब आपको पता नहीं कितने घंटों का जो काम है, ठीक है, कितने आवर्स का वर्क है, वो मैंने आपको करा दिया है मात्र 30 मिनट्स के अंदर। ठीक है, मतलब क्रैश कोर्स चल रहा है,
ठीक है, बेसिक्स जो है सारे कवर हो जाए, आप इस लेवल पे आ जाओ कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको, ठीक है, ये मेरी यहाँ पर कोशिश रहेगी। ठीक है, अब आइए लगे हाथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क डन है पेल्टन के केस में, ठीक है, वो भी मुझे लगता है मुझे आपको अभी के अभी साथ ही करवा देना चाहिए। पेल्टन के टर्बाइन के केस में कितना पावर होता है, कितना टॉर्क होता है, कितना वर्क डन होता है, इट्स रियली वेरी सिंपल। फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है, आपको बताना चाहूंगा कि ये लेक्चर जो है ये फ्री नहीं है, एक छोटी सी फीस है, छोटी सी गुरु दक्षिणा है जो आपको मुझे देनी है। अगर मेरा लेक्चर आपकी हेल्प कर रहा है, अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आपको मुझे एक छोटी सी फीस देनी है, और वो ये कि आपको इस लेक्चर के लिंक को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना है। आपको मेरी हेल्प करनी है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचने में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने में। और फ्रेंड्स प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर मैंशन कीजिएगा कि आपको लेक्चर पसंद आया या नहीं पसंद आया, पसंद आया तो भी, नहीं पसंद आया तो भी, दोनों केसेस में आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर मैंशन कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। और प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, वर्क प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ अ पेल्टन व्हील। फोर्स जो लग रही होती है पेल्टन व्हील के ऊपर, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ये इसी इक्वेशन को लगाएंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो पेल्टन के केस में होता क्या है बेसिकली, मतलब आपके पास एक बकेट होती है कुछ इस शेप की, ठीक है, इस शेप की कुछ बकेट होती है, ठीक है, यहां से पानी का एक जेट आ रहा है, पानी का जेट आ रहा है, अब बीच में एक स्प्लिटर लगा हुआ है, स्प्लिटर वो इसे दो भागों में इस जेट को डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो यहां से ये टकरा के स्लाइड होके ये यहां से बाहर निकल गया, ये पानी टकरा के स्लाइड करके ये यहां से बाहर निकल गया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको ना पेल्टन व्हील के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन में दे रखा होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कि पानी जो है कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया है, ठीक है। तो अब यहां पर सपोज कीजिए अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो पानी है वो 120 डिग्रीज से अगर डिफ्लेक्ट हो गया है, ठीक है, तो यानी इससे आप ना अपना जो वेन का एग्जिट एंगल है वो आप जज कर सकते हो, मतलब दिस इज टोटल 180, ये है 120, माइनस करके यहां पर जो आपका ये एंगल फाई आ गया, ये आ गया हमारा 60 डिग्रीज, ठीक है। तो आप जज कर सकते हो कि वेन एग्जिट एंगल कितना है, इट इज 60 डिग्रीज, और वेन का जो यहां पर इनलेट एंगल होता है, इनलेट एंगल पेल्टन व्हील के केस में दैट इज जीरो, वो जीरो होता है, थीटा हमेशा जीरो होता है, फाई की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 180 माइनस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, समझ आ रहे है? तो इस तरह सेटअप रहते हैं कि पानी आ रहा है बीच में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, आधा पानी इस तरफ से जा रहा है, आधा पानी इस तरफ से जा रहा है, उससे क्या होता है कि थ्रस्ट जो है वो बैलेंस हो जाएगा, मतलब जितना फोर्स इधर लगेगा उतना इधर लगेगा, तो अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो जो इस तरफ की फोर्स है और जो इस तरफ की फोर्स है वो बैलेंस कर लेगी, ठीक है, आगे एक फोर्स लगेगी आगे की तरफ, उसकी वजह से जो पेल्टन व्हील है वो घूमेगा, ठीक है। ये जो बकेट है ये बेसिकली बकेट का मैं टॉप व्यू दिखा रहा था कि मैं ऊपर से देख रहा हूं कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है और टकरा के इससे घूम के वापसी जा रहा है, ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही। तो इसका मैं डायग्राम में यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, डायग्राम में यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ये पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये जो एग्जिट वेन एंगल है दैट्स फाई, ठीक है, यहां पर वेलोसिटी है वी आर वन, ये यहां पर ये जो वेलोसिटी आपको मिल रही है दैट इज वी आर टू, वी आर टू, समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो मतलब अब तक तो आप लोग मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मतलब सॉल्व कर चुके होंगे, इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। तो फोर्स बकेट पे कितना लग रहा होगा, दैट विल बी रो क्यू वी वन एक्स, ठीक है, वी वन एक्स इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट। अब यहां पर तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इट इज बेसिकली वी आर वन, ठीक है, उसके बाद ये पानी घूम के वापस जा रहा है, अब पीछे की तरफ जा रहा है तो प्लस करेंगे, ठीक है, मतलब नहीं तो आप प्रॉपर कर लीजिए, माइनस कर लीजिए आप, माइनस ये माइनस आ गया, अब एग्जिट पे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ठीक है, अब ये एक्स कंपोनेंट होगा कितना, दैट विल बी वी आर टू कॉस फाइव, और ये अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है, तो माइनस वी आर टू कॉस फाइव, ये चीज, ठीक है, ये आ गया ब्रैकेट, बड़े वाले ब्रैकेट, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू रो क्यू वी आर वन प्लस वी आर टू कॉस फाइव, ये चीज, हाँ जी, इसमें कोई डाउट है आप बताइए, ठीक है। अब क्या है, अगर लॉसेस नहीं है देन
वी आर वन बराबर है वी वी देन वी आर टू बराबर है वी आर वन अगर लॉसेस नहीं है. अगर लॉसेस है देन वी आर टू इट इज के टाइम्स वी आर वन. के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है, के की वैल्यू है 0.9 0.8 व्हाटएवर जो भी है क्वेश्चन में दे रखी है. ठीक है, तो यहां पर अगर आप चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं. सो इट इज रो क्यू वी आर वन प्लस के वी आर वन कॉस फाइव. ठीक है, तो ये क्या आ गया रो क्यू वी आर वन वन प्लस के कॉस फाइव. ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक, ये चीज आपको क्लियर हो रही है ये चीज? ठीक है, ये चीज आपको समझ आ रही है यहां तक. अब रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या है, क्या रिलेटिव वेलोसिटी मतलब, ये मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी ऑफ, हमने फोर्थ लेक्चर में सब बहुत डिटेल में पढ़ा है, वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू बकेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेट माइनस वेलोसिटी ऑफ बकेट. यानी रिलेटिव वेलोसिटी जेट की विद रिस्पेक्ट टू बकेट is equal to absolute velocity of jet yani v minus velocity of bucket yani ki u. ye cheez aap clear ho rahi hai, to vr ko main put kar raha hu v minus u, yahan put kar raha hu, ye aa gaya rho q v minus u into 1 plus k cos phi. ye cheez to ye kya aa gaya, this is the force jo lag rahi hai bucket ke upar. theek hai, bas force nikla hai, power kaise nikalegi. theek hai, power kya hoga is equal to fx जो बकेट के ऊपर फोर्स लग रही है मल्टीप्लाइड बाय यू, दैट्स ऑल खत्म. ठीक है, इज इक्वल टू रो क्यू वी माइनस यू वन प्लस के कॉस फाइ इनटू यू. ये चीज, टॉर्क कितना होगा, टॉर्क जो टॉर्क लग रहा है पेल्टन व्हील के ऊपर, टॉर्क क्या होगा, दैट विल बी फोर्स जो बकेट के ऊपर लग रहा है मल्टीप्लाइड बाय रेडियस. ठीक है, तो ये दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ व्हील दैट विल गिव यू टॉर्क. समझ आ रहे? अब पता है कि अब लालच ना बढ़ता जाता है कि ये भी बता दूं. ठीक है, मतलब ऐसे लंबी लंबी डेरिवेशन है सारी. ठीक है, अब कई बार एग्जाम में आते हैं कि मैक्स, और ये बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि पेल्टन व्हील मैक्सिमम पावर कब प्रोड्यूस करता है, मैक्सिमम पावर. ठीक है, तो अगर आप गौर करें पावर का फॉर्मूला क्या है, रो इंटू क्यू वी यू माइनस यू स्क्वायर, ये यू को मैं ब्रैकेट के अंदर लिया है, वी यू माइनस यू स्क्वायर इंटू वन प्लस के कॉस फाइव. ये चीज, ठीक है, ये फॉर्मूला. अब हमें वो वेलोसिटी निकालनी है बकेट की, बकेट की जिस पर आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी. ठीक है, तो उसके लिए पूरी इंजीनियरिंग में हमने यही तो सीखा है, और सीखा क्या कि जब भी कोई चीज मैक्सिमम मिनिमम होती है, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है दैट्स इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो इज इक्वल टू, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू यू, सो रो क्यू वन प्लस के कॉस फाई, ये तो कॉन्स्टेंट है ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में क्या है वी यू का डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू यू, तो इट गिव्स मी वी माइनस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2u, दैट्स इक्वल टू 0. अब ये पूरी टर्म तो ये वाली सारी कांस्टेंट है. ठीक है, तो इससे क्या निकल के आता है, v इज इक्वल टू 2u या फिर u इज इक्वल टू v बाय 2. दिस इज रियली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. मतलब जब आपकी बकेट की वेलोसिटी जेट की वेलोसिटी का हाफ होती है, ठीक है, बकेट की वेलोसिटी जेट की वेलोसिटी का हाफ होती है, पेल्टन व्हील की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पेल्टन व्हील की, ये ना हो उसके रिजल्ट उसमें लगा दिए. ठीक है, तो पेल्टन व्हील के केस में जब बकेट की वेलोसिटी जेट की वेलोसिटी का हाफ होती है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो पावर प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, फॉर अ गिवन सेट ऑफ एनर्जी सप्लाई, जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है दैट विल बी मैक्सिमम. और अगर पावर प्रोड्यूस मैक्सिमम होगा किसी सिचुएशन में, इट मीन्स दैट द एफिशिएंसी दैट विल बी मैक्सिमम. समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इन 38 मिनट्स 50 सेकंड्स के अंदर मैंने आपको मतलब पेल्टन व्हील, ठीक है, और फ्रांसिस टर्बाइन, और मतलब किस तरह से पावर कैलकुलेशन की जाती है, और इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन मैंने सब कुछ करा दिया. और शायद ये लेक्चर जो है सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स में से एक है. ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको लेक्चर, नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना, ये एक फीस है जो आपको मुझे देनी है अभी के अभी. ठीक है, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस लेक्चर के लिंक को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचने में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने में. इस सीरीज़ के बाकी जितने भी लेक्चर हैं मेरी वेबसाइट और मेरी मोबाइल ऐप पर अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं. हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट.